नमस्कार मित्रों, ओएलआई में आपका स्वागत है। ओएलआई ने आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी मदद करने का एक प्रयास किया है। तो हम एनटीएसी, जो कि सरकार द्वारा आयोजित एक अव्वल परीक्षाओं में से एक है, उसका एक भाग अनुक्रम तथा श्रेणी के जो प्रश्न आते हैं उसे हल करने का एक सफल प्रयास करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न हल करने से पहले यदि आप दो श्रेणियों के बारे में हल्का अनुमान ले लें तो सही होगा। तो पहली श्रेणी या समांतर श्रेणी, जिसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी कहते हैं, किसी अनुक्रम A1, A2 जो कि क्रम हैं, पद हैं, उन्हें समांतर श्रेणी तब कहते हैं यदि हम A1, A2, A2, A3 इन सब के बीच में ऐसा कुछ स्थापित कर पाएं जो N+1वां जो पद होगा वह हम N वाला पद में D जोड़ेंगे तो आएगा। तो दोस्तों, जैसे A2 जो है वह हमें A1 में D जोड़ने से आएगा, A3 है वह A2 में D जोड़ने से आएगा, जो D है वह समान रहेगा। और इस प्रकार से हमें Nवां पद यदि सीधे प्रथम पद से ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला यह है। इसे आप ध्यान में रख ले तो अच्छा होगा, क्योंकि यदि आपको ऐसा कहीं प्रश्न दिखता है तो आप सीधे फॉर्मूला लगाएंगे और आपको उत्तर आ जाएगा। जो आगे मैंने एक ऐसा प्रश्न हल कर रखा है, आप उसे देख सकते हैं। तो वही A1 जो है वह प्रथमा पद है और D जो है वह सार्वन्तर है। दूसरी श्रेणी है गुणोत्तर श्रेणी, जिसे हम अंग्रेजी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। किसी अनुक्रम को गुणोत्तर श्रेणी तब कहा जाता है यदि प्रत्येक पद अशून्य हो, तथा K+1वां पद को यदि हम Kवां पद से भाग दें तो उसका जो अनुपात है वह हमेशा समान आए। यदि A2 को A1 से भाग दे रहे हैं और A3 को A2 से जो भाग दे रहे हैं, तो दोनों का जो अनुपात है वो हमेशा सेम आए। यहाँ पे हमने उसे R के रूप में लिखा है, R को अचर कह रहे हैं। यहाँ पे यदि हम प्रथमा पद A लेते हैं तो दूसरा जो पद होगा वह AR के बराबर होगा, तीसरा पद AR² होगा। उसी तरह से Nवां पद जो होगा A×R^n-1 हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे 6, 12, 24, 48, यदि आप इसे गुणोत्तर श्रेणी की दिशा में देखें तो 12 को 6 से भाग दे रहे हैं तो 2 आ रहा है, फिर 24 को 12 से भाग दे रहे हैं तो 2 आ रहा है, फिर 48 को 24 से भाग दे रहे हैं तो 2 आ रहा है। इस प्रकार से जो हमारा R अचर है वह 2 के बराबर है। इस प्रकार की श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। तो आइए प्रश्न हल करने का एक प्रयास करते हैं। हमें श्रृंखला को पूर्ण करना है। श्रृंखला 357, 363, 369 यह श्रृंखला है, इसका 10वां पद हमें ज्ञात करना है और ये चार विकल्प हैं। हमें यह बताना है इन चारों में से सही कौन सा है। तो यदि आप गौर से देखें तो यह एक समांतर श्रेणी है जिसका सार्वन्तर हम किसी भी दो लगातार पदों को घटाकर ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे सार्वन्तर 363-357 यानी 6 के बराबर आएगा। तो यदि हम इसका हल करें तो हम जान चुके हैं कि यह समांतर श्रेणी है, तो हमारा जो Nवां पद होगा वह प्रथम पद में से N-1×D करके आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे N का मान 10 है, हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो इसमें हम प्रथम पद जोड़ 10 में से एक घटाएंगे यानी 9, 9×D करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे 10वां पद जो होगा वह 411 आ जाएगा। तो दोस्तों, हमें पता चल गया है कि हमारा सही उत्तर A यानी 411 है। एक और प्रश्न हल करते हैं। 145, 122, 101 और 82, इसका अगला पद क्या होगा? अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, यह समांतर श्रेणी भी नहीं दिख रही है, पर हम धीरे धीरे कुछ और सोचने की कोशिश करते हैं। 145 हमें 144 के पास की चीज दिख रही है, 122 जो है वह 121 के पास की चीज दिख रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा कह क्यों रही हूं। तो सबसे पहले तो
हम यह देखते हैं कि विकल्प क्या क्या है। यह चार विकल्प हैं, एक कोई ना कोई सही होगा। तो हम समाधान यदि देखें तो 145 जो है वह 12 का वर्ग जोड़ एक है, 122 11 का वर्ग जोड़ एक है, उसी प्रकार से 82 जो है वह 9 का वर्ग जोड़ एक है। तो अगला पद क्या होगा, 8 का वर्ग जोड़ एक यानी 64 जोड़ एक, जो कि 65 के बराबर आ जाएगा। तो अब आपको पता चल गया है कि हमारा सही उत्तर जो है वह 65 है। अगला कोई पूर्ण करने का एक और प्रश्न हमारे सामने है, 445, 221, 109, 53, 25, 11, उसके बाद अगला पद क्या होगा। अभी हम गौर से देखें तो 445 का जो आधा होता है, 221 लगभग लगभग उसके आसपास है, 221 का जो आधा होता है, 109 जो है उसके आसपास है, उसी प्रकार आगे की चीजें हैं। तो पहले तो हम विकल्प देख लें, तो 6, 5, 4, 8 यह भी 11 के जो आधी है यानी 5.5 उसके आसपास की चीजें लगभग लगभग हैं। तो हमें चीजों को गौर से देखना होगा। तो हम 445 को ऐसा क्या करें जो उसका आधा करने पे 221 आ जाए। तो यदि हम यह देखें कि जो 221 है, 445 में से 3 घटा रहे हैं और उसको 2 से भाग कर रहे हैं तो आ रहा है 109 जो है वह 221 में से 3 घटा के 2 से भाग करने पे आ रहा है। तो जो अगला क्रम जो है, जो भी आगे की पद है, वह जो पिछला क्रम में से 3 घटाने पे और उस चीज को 2 से भाग करने पे आ रहा है। तो अगला जो हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है उसका क्या होगा, 11 में से 3 घटाएंगे और उसे 2 से भाग दे देंगे तो उत्तर 4 आ जाएगा। तो अब आपको पता चल गया है कि हमारा सही उत्तर जो है वह सी यानी 4 है। बढ़ते हैं, हमें इस श्रृंखला को पूर्ण करना है, 2880, उसके बाद एक रिक्त स्थान, 96, 24, 8 और 4। यह क्या लग रहा है, यह तो 4 में 2 गुना कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, 8 में 3 गुना कर रहे हैं तो 24 आ रहा है, 24 में 4 गुना कर रहे हैं तो 96 आ रहा है। तो पहले हमें विकल्प देखते हैं कि हम जिस दिशा में सोच रहे हैं क्या वह सही है। तो विकल्प के अनुसार हमें चीजों का अनुमान लगाना होता है। यहाँ पे आप देखें तो विकल्प जो है वह लगभग 450, 470 ऐसे हैं। तो इससे यह पता चल रहा है कि हम जिस दिशा में सोच रहे हैं वह दिशा सही है। तो हम समाधान देखें तो 4 में से 2 गुना कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, 8 को 3 से गुना कर रहे हैं तो 24 आ रहा है, 24 को 4 से गुना कर रहे हैं तो 96 आ रहा है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कैसे होगी, 96 को 5 से गुना करेंगे, 480 आएगा। और हम यह देखें कि हमारा उत्तर जो है वह सही है या नहीं, तो 480 को 6 से गुणा कर रहे हैं तो 2880 आ रहा है, जो हमारा प्रश्न में दिया हुआ है। तो दोस्तों यह तो थोड़ा आसान प्रश्न था और यह आपको पता चल गया है कि इसका उत्तर जो है वह 480 के बराबर होगा। आइए एक और प्रश्न हल करते हैं, 2, 7, 17, 22, 32 और 37, इसका अगला क्रम क्या होगा। तो हम देख रहे हैं पहले कुछ जोड़ के अगला क्रम लाने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम विकल्प देख लें, यह 4 विकल्प हैं, उत्तर इनमें से किसी में होना है। तो हम यदि देखें तो 2 में 5 जोड़ने पे 7 आ रहा है, 7 में 10 जोड़ने पे 17 आ रहा है, फिर हम 17 में 5 जोड़ रहे हैं तब 22 आ रहा है। तो यदि आप देख रहे हैं कि 5, 10, 5, 10 ऐसा चल रहा है, तो 22 में 10 जोड़ने पे 32, 32 में 5 जोड़ने पे 37, तो हमें अगला क्रम चाहिए। तो इससे पिछला वाला क्रम जो है वो हमने 5 जोड़ के ज्ञात किया है, तो हमें अगला क्रम जो होगा वह 10 जोड़ के ज्ञात होगा, यानी 37 में 10 जोड़ेंगे तो 47 आएगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमारा सही उत्तर जो है वह 47 है। दोस्तों इस श्रृंखला को देखें, 1, 2, 2, 4, 8, 32, यह हमें यह संकेत दे रहा है कि कुछ गुणा करने से ही हमें श्रृंखला के आगे के क्रम पता चलेंगे।
यदि हम विकल्प देखें तो विकल्प भी कुछ उसी प्रकार से हैं। तो हम यह देखते हैं कि हम इसे हल कैसे कर सकते हैं। जो तीसरा क्रम दो है, वह पिछले दो क्रम एक और दो को गुणा करने से आ रहा है। फिर जो श्रृंखला में जो क्रम चार है, वह पिछले दो क्रम दो गुणे दो करने से आ रहा है। फिर जो आठ है, वो अपने पिछले दो क्रम चार गुणे दो करने से आ रहा है। तो इसी प्रकार से अगर हमें रिक्त स्थान को भरना है, तो हमें 32 गुने 8 करना पड़ेगा। तो हमारा सही उत्तर 256 आ जाएगा। आइए एक और श्रृंखला को पूर्ण करते हैं। यह श्रृंखला है 264, खाली जगह 132, 108, 66, 54, 33, 27। पहले हम यह देखें कि क्या कुछ जोड़ने से कुछ हो रहा है क्या। 27 में हम 6 जोड़ रहे हैं तब 33 आ रहा है, पर 33 में हमें कुछ और जोड़ना पड़ेगा तब 54 आएगा। तो बात उस प्रकार नहीं बन रही है। विकल्प जो है वह हम देख लें, यह चार विकल्प हैं। तो हम यह देखें कि आसपास वाले जो क्रम हैं, उनके बीच तो हम कुछ स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। तो हम एक क्रम छोड़ के देखें, तो जैसे 33 को छोड़े तो 27 और 54 में दिख रहा है, 27 में से 2 गुणे करने पे 54 आ रहे हैं। फिर 66 को छोड़े तो 108 आ रहा है, जो कि 54 में से 2 गुणा करने पे आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस श्रृंखला को दो भाग में बांटते हैं, एक एक क्रम छोड़ के। जैसे 264, फिर 132, फिर 66, फिर 33। यह देखें तो हम 264 में 2 से भाग दे रहे तब 132 आ रहा है, 132 को 2 से भाग दे रहे तो 66 आ रहा है। उसी प्रकार से पीछे से यदि देखें तो 27 में 2 गुणा कर रहे हैं तो 54 आ रहा है, फिर 54 में 2 गुणा कर रहे तो 108 आ रहा है। तो अब हमें जो खाली जगह है उसे पूरा करने के लिए 108 को 2 से गुणा करना होगा, तो 216 आएगा। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया है कि जो सही उत्तर है वह 216 है। और यह प्रश्न आपको यह भी सिखा के जाता है कि यदि आपके दो आसपास वाले क्रम में कुछ स्थापित नहीं हो पा रहा है, तो आप एक क्रम छोड़ के देखने का प्रयास कर सकते हैं। पर यह आप तभी देखेंगे जब आप अगल बगल के जो दो क्रम हैं उनके बीच कुछ भी स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि इन तरह के प्रश्नों को जो हल करने का कोई खास तरीका नहीं होता है, आपको अपने हिसाब से सोचना होगा। कभी कहीं गुणा करके देखिए, कभी कहीं जोड़ के देखिए, कभी वर्ग निकाल के देखिए। उस प्रकार आप सोचेंगे तो अब आपके प्रश्न हल होंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि OLI को आपका समर्थन मिलता रहेगा।